सिटिंग थी उनमें से तकरीबन अपने जो है वो विक्रम बत्रा सरोवर और दो तीन बंदे शहीद हो गए। अच्छा, खैर वहाँ से 5 मिनट के बाद एक गोला आता था इस एरिया में, तो 8-6 के 19 बंदे नाले में आगे जाके शहीद हो गए थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये मेजर साहब ने कहा कि आपके एक लड़के को क्या अपने देश के लिए भी नहीं दे सकते हो, तो उसने। तो दोस्तों, मैं अपनी लद्दाख के साथ पहुँच गया हूँ मस्को वैली में। तो मस्को वैली में मैं आज आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जिसने पूरी कारगिल की वॉर ना ही अपनी आंखों से देखी बल्कि लड़ी भी। वो बंदे का घर है इधर, और अभी हम उस बंदे से मिलेंगे। वो बंदा हमें दिखाएगा कि कहां कहां पे गोले चली, कहां पे तोप के गोले वो टाइगर हिल की तरफ से पड़े, इस गांव में पड़े थे, पूरे गांव को तबाह कर दिया था और लोग बंकरों में छुप के रहने पर मजबूर हो गए थे। तो उस बंदे का नाम है इलियास, मोहम्मद इलियास। तो वो बंदा हमसे मिलने वाला है अभी, मुझसे यहाँ पर आके मिलेगा, और वो पूरी कहानी आपको बयां करेगा यार उस समय कैसा माहौल था। और वो बंदा, उस बंदे ने खुद अपने कंधे पर विक्रम बत्रा के पार्थिव शरीर को उठा के लाया है ऊपर उस चढ़ाई से 0.4875 से। तो आप लोग देखना ज़रूर इस वीडियो को, पूरा देखना, पूरी कहानी वो बयां करने वाला है। और अपना जो ये रोड लगी सर, ये अपना लोडिंग पॉइंट वो था। अच्छा, उससे आगे वो वहाँ पर कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जाती थी, उसके आगे पूरा घोड़ों का लोड, घोड़े लोड लेके जाते थे। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ अपने लोगों से। ये हैं हमारे कारगिल वॉर हीरो, कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसके हीरो हैं, मतलब अनसंग स्टोरी है इनकी, किसी ने इनको बताया नहीं इनके बारे में, ना ही आप किसी मूवीज़ में इनको देख पाएंगे, ना ही किसी पिक्चर में आप देख पाएंगे इनके बारे में, इन लोगों के बारे में। तो ये सब लोग थे यहाँ के कारगिल के हीरो, और इन्होंने मुझे बताया था कि इस साइड है ना टाइगर हिल वाला, ये साइड टाइगर हिल। ये तो आप लोग इधर से चढ़े थे? हम इधर के बैक से चढ़ गए। अच्छा, बैक से चढ़े। इधर ये नाला आता है सर, हाँ हाँ, इसमें अपने ये बीच में से बिल्कुल 8-6 थी इसमें। अच्छा, 8-6 के 19 बंदे नाले में आगे जाके शहीद हो गए थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये इधर इसके बैक साइड टॉप होता है सर, उसके ऊपर पाकिस्तानी फौज थी, तो उनने फिर करके हमारे 19 नंबर। जैसा मुझे पता था कि यहाँ पे संजय सिंह थे राइफलमैन, वो चढ़े थे। हाँ सर, हाँ संजय सिंह भी थे सर, वो उन सबको इधर मार दिया था सर। अच्छा, पाकिस्तान ने, क्योंकि हमें उस वक्त पता नहीं चला था, इधर ऊपर आर्मी फौज है, हम जा रहे थे, तो उसको वहाँ पर मार दिया था। हमारे ये सर थे सर, ये यारखन जो यहाँ पे यहाँ के हैं सर अपने, उसका एक लड़का सिक्योरिटी में भी होते यार सर, उसने इधर से हम लोग गए थे। हाँ हाँ, तो आगे जाके हमारे जो बंदे शहीद हो गए सर, 19 बंदे यहाँ पे टाइगर के नीचे, टाइगर के नीचे। तो दुश्मन तो ऊपर बैठा हुआ था ना टॉप में बिल्कुल, तो उसको तो पूरा ये एरिया दिख रहा होगा। इस एरिया में नहीं था सर, इस एरिया में था ये बैक एरिया में, तो ये वाले में बैक वाले एरिया। अच्छा, जो सर उनकी चोटियाँ थोड़ी लंबी है। हाँ हाँ हाँ, उनके बैक एरिया में बैठा हुआ था। अच्छा, तो शेलिंग हो रही होगी उधर से, तो तोप के गोले वोले सब आ रहे होंगे इधर, गोलियां पूरी सर। उस वक्त अपना ये आर्टी नहीं था अपने पास, बड़े वाला बिफोर्स गन नहीं था अपने, वो फोर्स नहीं था, तो गुरेज से फेर कर रहे। अच्छा, गुरेज से, गुरेज से अपना जो टाइगर हिल में जो है सर, वो 5 मिनट के बाद हमारे पास एक गोला गिरता था। अच्छा, खैर वहाँ से 5 मिनट के बाद एक गोला आता था इस एरिया में। तो यहाँ पे जो घर थे इनको डैमेज हुआ है? हो गया सर, ये यही जो घर है सर जो डैमेज हो गया था गोला लग के। कौन सा? ये वाला सर, इसमें इसके ऊपर। हाँ, कहाँ पे दिख रहा है कुछ? अभी इसको तो रिपेयर किया ना। अच्छा, रिपेयर कर दिया, दिखाता हूँ इधर, दिखाओ दिखाओ। लगी हुई है, देख रहे हो आप, मैं घर डैमेज हो गया था सर। ये मस्को विलेज का एक गाँव है जहाँ पर डैमेज हुआ था उस टाइम पे, गोलियाँ और शेलिंग सब पूरा। इधर गोला गिरा था सर। अच्छा, इसके अंदर गोला गिर गया था। तो इसके ये सर, ये पोल पे जो निशाने है ना सर, जो कट, ये पोल पे कट है ना सर। अच्छा, ऊपर। हाँ हाँ, ये शेलिंग की वजह से हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ ये दिख रहा है यहाँ पे। नहीं तो इतने बड़े पोल में सुराख होता। ये पोल पहले से ही है? हाँ सर, ये उस वक्त बनाने में पे था सर। अच्छा, इस पे स्प्लेंडर लगा था सर। अच्छा, इसके ऊपर गिरा था, ये पूरा गिर गया था सर नीचे, बाद में आर्मी फिर दोबारा बनाया, आर्मी लोगों ने मदद करके फिर इसको दोबारा रिपेयर किया। अच्छा, तो जब वॉर के टाइम आप ऊपर गए, सामान लेके गए, तो आपका अपना पैसा, अपना रुपया भी खर्चा होगा बेहिसाब, आपने कुछ देखा नहीं होगा उस टाइम? नहीं सर, पैसे वैसे का तो कोई मसला नहीं था उस वक्त, पैसे की जरूरत भी तो नहीं थी हमारे पास, तो जो हमें आर्मी सप्लाई से जो राशन वाशन मिलता था हम उसी से काम चलाते थे। तो उसके बाद सिगरेट वीडियो होता था, वो तो कभी पूछता था कभी पूछता नहीं था, उसका इतना टेंशन हमारे को नहीं था सर। उसके बाद जब हम आगे गए तो
वो चीज भी भूल गए कि हमें कुछ खाना है या हाँ, पीना है। फिर तो एक अंदर से भावना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई होगी अंदर, मतलब मैं आपकी कहानी सुन के ना मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो हमें ये पता नहीं चल रहा था कि हम आगे बढ़ना है बस, पीछे ब्रेक तो हमें होना ही नहीं है, बिल्कुल या मारेंगे या मारेंगे, बस वो दो में से एक हमारा इसमें था, दिल में ये रहता था सर। कभी ऐसा डर लगा ऊपर की तरफ चढ़ते? नहीं सर, पहले पहले तो डर तो बहुत लगता था। है, हाँ, वही होता है। थोड़ा सा एक गोली आने के बाद भी हम पत्थर के नीचे छुपते थे या वहाँ से नहीं निकलते थे, तो बाद में वो गोलियां भी हमें ऐसा लगता था कि ये तो चलते रहते हैं, हमारे को कोई करने वाला फर्क करने वाला नहीं है। तो बाद में गोले आ गए सर, गोले को भी पहले पहले डर लग गई, बाद में तो उनका भी कोई ये नहीं रहता था सर। ये आर्मी लोग बोलते थे गोला आने के बाद ऐसा करो ऐसा करो, हम उसी हिसाब से उनके गाइड से हम भी आगे चलते। और तो इधर फिर इधर साइड से विक्रम बत्रा चढ़े थे 4875 पे। हाँ सर, ये आता है अपना बटाकुल जो मंदिर है, उधर से चढ़े थे, उस नाले से अंदर चढ़े। तो उनके साथ 20-25 लोगों की थी सर, हाँ थी, उनमें से तकरीबन अपने जो है विक्रम बत्रा सर और 2-3 बंदे शहीद हो गए। तो उनके बाद हमने उनको बाद में उस वक्त नाइट को शहीद हुए थे, दिन में तो हम उधर जा नहीं सकते थे, तो रात को फिर हम लोगों ने पेट्रोलिंग करके तो रात को उसको डाउन कराया था हमने। अच्छा, आप उनको कंधा दे के लाए? तो यार बड़ी गर्व की बात है आपको, मतलब कैसा कैसा मौका मिला देश के लिए सेवा करने का। और यार लेकिन उसके अंदर जज्बा भी होना चाहिए इंसान के अंदर सेवा करने के लिए। जज्बा तो ऑटोमेटिकली आता है सर, जब अपने ऊपर आता है तो हर कोई मान लेता है कि हमें कुछ हम कुछ कर सकते। तो आपके कोई दोस्त भी होंगे आपके साथ और लोग भी गए होंगे? सर हमारे जो बाकी लोग थे तो वो तो बैक थे। अच्छा, सिर्फ हम अकेले थे जो आर्मी के साथ। आर्मी के साथ अकेले। उस टाइम क्या उम्र रही होगी आपकी? 22 साल थी सर उस। 22 साल का लड़का है यार, एक देखो इतनी जिम्मेदारी से आर्मी के साथ, जबकि ना बंदे को ये नहीं है कि आर्मी की तो नौकरी है, चलो उनको तो करना है, बट देश के लिए जो अंदर से भावना होती है ना वो ये होती है। हाँ सर, मेरे बाप फौज में थे। अच्छा, तो मेरे बाप का एक सराजदीन था सर। अच्छा, तो बाप का एक लौता लड़का था। अच्छा, तो थोड़ा बाप डर गया था, फिर उसके मेजर साहब ने कहा कि आपके एक लड़के को क्या अपने देश के लिए भी नहीं दे सकते हो? तो उसने कहा ठीक है यार, एक लड़का है उसको भी लेके जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वापस आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो भी ठीक है। कौन थे मेजर साहब? वो मेजर साहब का नाम कुछ था सर, मैं भूल गया सर के उस वक्त। और ये मकान भी सब पुराने हैं उस टाइम के? हाँ सर, ये सब पुराने हैं। ये वाला मकान तो काफी पुराना लग रहा है मेरे को। पुराना है सर ये सब तो। अच्छा, तो आप लोगों ने उस टाइम यहाँ बंकर वंकर कुछ बनाए होंगे ताकि सुरक्षित रहे? बंकर बनाए थे सर, वो अच्छा। सब अभी फिर निकाल दिए वापस क्योंकि अब तो ज्यादा बेंड हो गए। अब फौज क्या रहती होगी हमेशा इधर? हाँ सर, अभी तो यहाँ से तकरीबन सर अभी बत्रा ट्रांजिट कैंप से भी आगे, वो भी अपना एरिया पीछे है, टाइगर भी बैक साइड है, उसके बाद अपना अभी आता है सर बलवन एरिया हो गया अपना, जो अपनी फौज रहती है विजय हिल, नागा ये नीचे आता है सर आरसी। और ये राइनो टॉप, राइनो कौन सा है? राइनो टॉप वो आगे है सर, आगे बहुत आगे है ना वो राइनो टॉप, बहुत आगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी टाइगर हिल में, उससे पहले 4875 तो बत्रा जी ने शहीद होके कर लिया था सर, वो भी कब्जा कर लिया था, वो भाग गए थे जब खुद शहीद हो गए थे, तो वो पोस्ट हमारी खाली थी, तो हम वो बाद में जाके वो ऊपर कब्जा किया। हाँ, तो उसके साथ मतलब वो ग्रेनेड्स थी कुछ जो गई थी उनके वहाँ पे, कुछ ग्रेनेड्स करके थी वो, मेरे को याद है अभी भी। और बहुत बड़ा मसला होता है सर। यार आपको देख के ना बहुत ताकत जोश और हिम्मत आ गई अंदर से। मैं ना उत्तराखंड से आया हूँ साइकिल चला करके इधर, पूरा भी मेरी 2000 किलोमीटर की राइड हो गई है साइकिल चलाते चलाते। तो ये लोग तो इधर की तरफ मतलब ये मैंने बोर्ड देखा तो इससे पहले भी हुंदरमान है ऊपर। हाँ सर, हुंदरमान तो वहाँ भी मैं गया था, तो वहाँ पे मुझे एक मोहम्मद अली नाम का बंदा मिला था, उसने मुझे बताया कि मैं भी पोर्टर का काम किया उस टाइम पे 99 में। हाँ सर, पोर्टर का काम। हाँ, वो बता रहा था मुझे कि इस पहाड़ी में हम नीचे से चढ़ते थे, उस टाइम रोड नहीं थी, पूरा नीचे से रास्ता बना हुआ था ऐसे ऐसे, वहाँ से चढ़ा था, बोला था सीधे सीधे आर्मी के साथ। और दूसरे बंदे आप मिल रहे हो, तो मैंने इन लोगों से अभी भी अपना एक पोस्ट है जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, बलवान जो रस्सियों के जरिए पकड़ लिया था, सिर्फ रस्सी के जरिए जाते थे। अच्छा, रस्सी के जरिए अभी भी उधर एक दो जगह में रस्सी पकड़ के चलना पड़ता है। अच्छा, तो वो बहुत डेंजर एरिया है वहाँ पर। अब क्या होता है सर्दियों के टाइम पे, अभी भी खाली रहता है? अभी नहीं सर, अभी पूरी पोस्ट सर्दियों में भी, बर्फ में भी, बर्फ गजब।
अभी तो पूरी फौज रहती है सर। शिमला समझौता जो था उसका उल्लंघन करके पाकिस्तान की फौज यहाँ आ गई थी। हाँ सर। क्योंकि इंडिया तो यार इंडिया ने छोड़ दी अपनी, मतलब जो एक बार बात कर दी तो कर दी। हाँ, समझौता साइन कर दिया तो कर दिया, इंडिया वहाँ पे आया ही नहीं फिर। लेकिन इन्होंने ना चुपके से ये लोग पीछे से आगे बैठ गए, बैक साइड पूरा आगे बैठ गए उधर से। ये है सर इंडिया पर इनका एक गांव आता है गुलतरी। अच्छा। और जो आपने वो लद्दाख स्काउट्स वाले बंदे ने देखा था ना उनको, तो उस टाइम पे भी ये हुआ था कि पहले इंडियन आर्मी ने सोचा कि कोई आतंकवादी होंगे एक दो। वही तो ना सर, वो आप उस टाइम पे तो इतना इंटरेस्ट किसी ने लिया नहीं, तो बाद में जब पेट्रोलिंग जाके ऊपर पता चला तो वहाँ से फायर आ गई। हाँ, तो वहाँ से फायर आ गई। आने के बाद फिर इधर से अपना आर्टिलरी स्टार्ट किया। तो मैंने तो सुना था टाइगर हिल पे तो इतने आर्टिलरी शेलिंग हुई। हाँ सर, बम्बार्डमेंट हुआ कि उसको काला कर दिया पूरा पूरा सर। ये अपना इधर बैक साइड में है सर। हाँ, उस साइड से पूरा इतना फायर हुआ है कि फायर तो बहुत सर। फिर उसके बाद अपने गने आ गई तो चारों तरफ से हम उन्हें उस पर ये गोले बरसा दिया। इधर से भी आते थे, इधर से आते थे गोले, इधर भी कुछ फिर आई थी क्या? तो हाँ सर, इधर भी आई थी क्या? बोफोर्स किया था सर। हाँ, बोफोर्स आ गई थी बाद में, गांव से भी फायरिंग किया उधर पीछे। फिर उधर पीछे अपना आर्टिलरी, अभी आर्टिलरी ये पॉइंट उधर पीछे, उधर है पॉइंट आर्टिलरी पॉइंट। हाँ सर, पहले इधर से भी फायरिंग। तो आप लोगों को भी उस टाइम पे गन वन कुछ दिया था आर्मी ने? आप सर हमारे साथ तो हथियार रहता ही रहता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि बोलते थे हमारे यार अगर सामने आ गया तो आप भी मार सकते हो। हाँ, नहीं तो आप तो निहत्ते हो, आप तो ऐसे ही मारे जाओगे। तो एक आसामी सर था जिसने हमें इसके बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दिया था। अच्छा। उसने मेरे को सिखाया था ऐसे ऐसे फायर करना है, ऐसे रफल को ये करना है, तो उसने मेरे को बहुत बड़ा इससे सिखाया था उसने मेरे को। अच्छा। तो उस वक्त ये टू नागा थी अपने इस एरिया में। हाँ हाँ, टू नागा भी बहुत, टू नागा थी सर अपने। और अभी कौन सी है यहाँ पे रेजिमेंट? अभी कौन सी रेजिमेंट नहीं पता नहीं सर। अच्छा, अभी पता नहीं आप लोग आजकल हो नहीं उनके साथ। हाँ सर। तो अभी आप लोगों का जो जीवन यापन है वो कैसे हो रहा है? पहले तो बहुत अच्छा है सर, अभी तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। बिजली सब आ गई? बिजली तो अभी 24 घंटे सर, अभी 24 घंटे आती है बराबर एकदम। मैं एक दिन भी कभी ये रोड आ गया आपके वहाँ? बढ़िया रोड आ गया सर, तो यहाँ से आगे सड़कें बनी। और आपके कमाई का जरिया क्या है? कमाई का, आमदनी का क्या स्रोत है अभी? अभी हम तो बिजली में डिलीवरी है सर। कायम हो बिजली में? बिजली विभाग में हो आप? हाँ। बढ़िया है। आपको नौकरी किसके थ्रू मिली है सर? ये पहले ये इसी तरह लगाते हैं ना सर, हमारे ये जो बिजली वाले अफसर थे उस वक्त हम थोड़ा ये पोल वोल का काम कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को उधर कहा यार आप पोल का काम अच्छा करते हैं, आप जो है हम इसमें लगा देंगे। तो आपको कितनी तनख्वाह मिल जाती है उससे? अभी रुपया 6000 मिलता है। 6000 मिलता है, उससे गुजारा हो जाता है अभी। बाकी भी थोड़ा दाएं बाएं काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी जो अपना खेती वेती होती है? खेती वेती होती है सर थोड़ा थोड़ा। क्या क्या उगाते हो आप इधर? इधर सिर्फ गेहूँ उगता है सर, और क्या? गेहूँ मस्त छोटा है लेकिन। हाँ, बाल बहुत छोटी आती है। मैं भी गेहूँ उगाता हूँ, मैं भी किसान हूँ। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ काफी बड़ी बाल आती है यहाँ पे। आपके पास वहाँ बहुत खेत है ना सर? हमारे पास तो एक दो खेत ही रहते हैं। अच्छा, छोटा खेत होगा? छोटा खेत है हमारे पास। तो उस वॉर के बाद जब आप नीचे आए, कुछ सम्मान समारोह हुआ? नहीं हुआ सर। उस वक्त जो हम आ गए थे तो हमारा ये बलवन ये सर विजय नागा हिल जब हमने कब्जा किया सर, कब्जा करने के बाद हमारी आर्मी उधर लग गई। आने के बाद उसके बाद अपना एक बंदे पे लगा हुआ था, तो उसको लेके मैं डाउन हो गया था नीचे। अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद मैं घर गया, फिर किसी ने आपको बुलाया नहीं? उसके बाद पूछा नहीं। तो यार जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, अगर कोई नेता या कोई भी देख रहा है, तो यार इस गांव में जो अपनी गांव का नाम क्या है? मुश्को वैली सर। मुश्को वैली पूरी वैली है? हाँ, एक ही गांव है इधर? एक ही गांव है। एक ही गांव है मुश्को वैली में। तो अपने भाई आपका नाम क्या है? इलियास अहमद सर। इलियास अहमद भाई को यार सम्मान मिलना चाहिए, पूरे गांव वालों को पता है कि ये यहाँ गए थे पूरे टाइगर हिल वाले एरिया में, पूरा इन्होंने पेट्रोलिंग करी है इंडियन आर्मी के साथ और पूरा साथ निभाया है कंधे से कंधा मिला करके यार पूरी इंडियन। तो आपको यार एक सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद जय भारत, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। और बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सम्मान मिले, इज्जत मिले, और कम से कम एक नौकरी या कुछ अच्छी चीज मिलनी चाहिए, जिससे कि जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम पार्ट होता है ना 22 साल की उम्र वाला, वो उस टाइम पर यार जंग में बिताया है, तो कुछ तो हक इनका भी बनता है। तो मैं चाहता हूँ मिले। और कुछ मैंने वॉर मेमोरियल में अंदर देखा था, जो 2-3 बंदों का नाम लिखा था वहाँ पे शहीद में। हाँ सर, वहाँ नाम वो है सर, वो सिविलियन में वो जो है सर आर्मी के साथ अपने काम कर रहे थे, तो वो अचानक उधर से शेलिंग आई आने से वो मर गए थे अपने। हाँ। या कोई काम करते वक्त जो डेंजर एरिया था उनको प्लेट में नाम मिल गया,
लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ घर घर वालों को मिलना चाहिए उसके। हाँ सर, उनको और इन लोगों को मतलब जिंदा रहने का ये कोई वो है क्या सजा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा? हाँ। जिंदा रहने वाले को भी यार सम्मान मिलना चाहिए, कम से कम सम्मान तो मिले ही। और चीज तो एक 10-15 साल आर्मी के साथ कंटिन्यू रहा सर, 99 से लेकर तकरीबन ये अभी ये 2-3 साल हो गए सर मेरे को आर्मी काम छोड़ के, ये 5-6 साल मान लो। जब उस टाइम पे कुछ मिलता था, नौकरी में लग गए थे तब से छोड़ दिया जब आप करते थे इंडिया आर्मी। हाँ सर। तो क्या देते थे वो? तो वो पोर्टर का वहीं हाजिरी दे देते थे मेरे। अच्छा, को अच्छा। वहीं तो वो सही घर का गुजारा करते थे। तो अब क्या है कि जो उस समय मिलता था वो ठीक था या अभी जो मिल रहा है वो सीख है? अभी तो बस सर क्या करें, थोड़ा दिन का। अब ऐसा है कि क्योंकि घर के साथ भी आपको समय गुजारने का वक्त मिल जाता होगा ना इसमें। चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके यार। आपका घर कहाँ है? मेरा घर ये है सर, अभी इस साइड वाला है। अच्छा, उस समय बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। अच्छा चलो यार, अब देखते हैं कि कोई कहीं तक हमारी वीडियो पहुंचेगी ना तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपके लिए होगा, इंशाल्लाह होगा बस। हाँ हमारे को यही बेरोजगारी थोड़ा हट गया तो अच्छा। हाँ। और कुछ नहीं, इसी में परमिट करे मोदी सर हम लोगों को। हाँ। क्योंकि हमारी भी रिक्वेस्ट है उससे। हाँ। तो ये भैया की भी रिक्वेस्ट है, सुन लो दिलवे सबको थोड़ा परमिट करने के। हाँ। करे बस और क्या करे, चलिए कोई साधन तो है नहीं इधर, और तो यही थोड़ा इनके लिए कुछ नौकरी वगैरह का इंतजाम हो जाए तो बढ़िया ही है। तो अभी चलते हैं आगे और भैया से लेते हैं अलविदा करते हैं और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे, फिर होगी मुलाकात। और चाहें मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको आपकी अगली बार जो देखूँ तो मतलब बढ़िया आपको कुछ ना कुछ मिले। मैं कोशिश तो कर रहे हैं सर, अब मोदी सर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को परमिट करने की। चलो तो इंशाल्लाह वो सफल रहेंगे इस चीज में तो होगा, हमारे मोदी सर भी सफल रहेंगे। चलो ठीक है, वो सफल रहे तो हमें भी कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ।